हेलो दोस्तों दोस्तों अभी मेरे पीछे जो दीवार है इसके ऊपर मैं अभी टेक्सचर मेकिंग करने वाला हूँ। ये टेक्सचर मेकिंग करने के लिए मैं अपन बचपन में खेलते ना बेलून, वो बेलून को इस्तेमाल करते हुए अभी इस दीवार के ऊपर टेक्सचर मेकिंग करने वाला हूँ। और ये टेक्सचर मेकिंग करने का प्रोसेस क्या है इसको स्टेप बाई स्टेप अब मैं आपको बताते रहता हूँ। चलिए दोस्तों अभी अपन शुरू करते वीडियो। अपने जो बेलून है ना वो बेलून से ये दीवार के ऊपर टेक्सचर कैसे मेकिंग होता है अभी अपन देखेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स मैं अभी इस दीवार के ऊपर पैटर्न मेकिंग करने के लिए मतलब ये जो बेलून पैटर्न है उसको मैं मेकिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कलर चॉइस करके यहाँ मैं पैटर्न मेकिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपन को अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गया तो आप ये डिज़ाइन दीवार के ऊपर मेकिंग करना चाहते हैं तो यार इसके कलर कोड्स अपने क्या ना रॉयल प्ले में रैगिंग इफेक्ट है ना, रैगिंग इफेक्ट के कलर्स पूरे के पूरे अपन ये टेक्सचर मेकिंग करने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अभी एक बेलून लेके वो बेलून में आधा हवा भर के उसका मुंह को ऐसे पकड़ लेके यहाँ पर ऐसे प्रेस करना पड़ता दोस्तों, बिल्कुल ऐसे प्रेस करके उठा दीजिए, हल्का सा उसको दबा दीजिए। आप हल्का से दबाएं या जोर से दबाएं वहाँ पर ही उसको जहाँ पर अपन बेलून लगाते हैं ना वहाँ पर उसको हल्का सा प्रेस करके निकाल देना पड़ता है। सेम टू सेम अपने को पूरे के पूरे दीवार के ऊपर यही प्रोसेस करना पड़ता दोस्तों। दोस्तों मैं तो कभी भी कहाँ भी अकेला ही फुल टू फुल वॉल कौन सा भी टेक्सचर में अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आप दो जने कर रहे तो यार एक जने टॉप कोट अप्लाई करते जाइए और एक जने क्या कि बेलून से दीवार के ऊपर टेक्सचर मेकिंग करते जाइए दोस्तों। फुल टू फुल वॉल सेम टू सेम यही प्रोसेस है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मार देना, कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर भी क्लिक कर देना।